नमस्कार, मैं रेखा जैन, चैन समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान में कांग्रेस, लेकिन जालौर में बीजेपी की जीत। वैदिक मंत्रों के साथ गायत्री महायज्ञ संपन्न। जैन मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर 18 अभिषेक किया गया। पाथेड़ी युवा एकता संगठन ने दिया एकता का संदेश। एकल अभियान बैठक का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में कांग्रेस, लेकिन जालौर में बीजेपी की जीत। जालौर से उजू शिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल व राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर 11 दिसंबर को मतगणना हुई, जिसमें प्रदेश में कांग्रेस ने परचम लहराया। वहीं जालौर जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में चारों स्थानों पर भाजपा व एक स्थान पर कांग्रेस ने बाजी मारी, जिसमें जालौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस की मंजू मेघवाल को 35,234 मतों से पराजित किया। और अब जालौर के विकास के लिए आहूर में भाजपा के छगन सिंह राजपुरोहित ने कांग्रेस उम्मीदवार सवाराम पटेल को 31,048 मतों से परास्त किया। हम लोग खड़े हुए और ये 36 की जीत भाजपा खड़ी है। इसी प्रकार भिनमाल में भाजपा की पुराराम चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार समरजीत सिंह को 9,646 मतों से हराया। जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और मेहनत का फल था जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सभी श्रेय भिनमाल की गणमान्य जनता को और विशेष से कार्यकर्ता। वहीं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोचक मुकाबला देखा गया, जिसमें भाजपा व कांग्रेस की कांटे की टक्कर रही। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस में लीड बनाई, लेकिन आखिरकार भाजपा के उम्मीदवार नारायण सिंह देवल ने कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी को 3,405 मतों से परास्त कर जीत हासिल की। रानीवाड़ा की जनता, हमारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी, आगे का क्या लक्ष्य रहेगा आगे का रानीवाड़ा के लिए? आगे का बस वही विकास का काम, रानीवाड़ा में जैसे कॉलेज चल रही है उसकी बिल्डिंग बनाना, नर्मदा का पानी गाड़ी है उसमें घर कनेक्शन देना और किसानों के इसी प्रकार सांचौर विधानसभा में पिछले चुनावों की तरह इस बार भी सुखराम विश्नोई ने अपने नजदीकी भाजपा प्रत्याशी दानाराम को 24,752 मतों से परास्त किया। जैसे जैसे चुनाव परिणाम घोषित हुए, प्रत्याशियों के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति लोगों काम करेंगे जैसे पहले किया वैसा करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देव शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, ताजी शुद्ध एवं स्वादिष्ट मिठाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। हमारे यहाँ शादी एवं मीटिंगों के लिए भी ऑर्डर बुक किए जाते हैं, साथ ही हमारे यहाँ वाड़ीलाल आइसक्रीम भी मिलती है। प्रोपाइटर गेनाराम प्रजापत। देव शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड सियावट चौराया, जिला जालौर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001165995। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर।
चालो। संपर्क करें भवन निर्माण हो या रिकंस्ट्रक्शन, ऑफिस निर्माण हो या व्यवसायिक भवन, या करवाना हो इंटीरियर डेकोरेशन, हमारी स्पेशलिटी चाइना टुकड़ी। विश्वसनीय तारीख लिए हमसे संपर्क करें प्रोपराइटर महेश जैन, रमेश चौहान, जैन कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 9421219192 या 9929445707। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैदिक मंत्रों के साथ गायत्री महायज्ञ संपन्न। मदुराई से दिनेश जैन की जानकारी के अनुसार, मदुराई में अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार एवं गायत्री चेतना केंद्र मदुराई के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को स्थानीय नटन गोपाल नायगी मंदिर प्रांगण में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ प्रतिनिधि चंद्रकांत पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात गायत्री परिवार साउथ जोन प्रभारी डॉक्टर ब्रजमोहन गौड़ द्वारा 24 कुंडीय यज्ञ संस्कार एवं प्रवचन देकर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, यज्ञ आदि के बारे में वैज्ञानिक विवेचन दिया। कार्यक्रम में मदुराई समस्त समाज एवं तमिल भाषी यजमानों ने वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां दी। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन गायत्री महाआरती के साथ हुआ। जैन मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर 18 अभिषेक किया। आहोर तहसील के आयपुरा गांव में श्री वासुपूज्य स्वामी के प्रतिष्ठा की श्रृंखला में आज परमात्मा का 18 अभिषेक किया गया। बाबूलाल श्री श्रीमाल ने बताया कि इस मौके पर लेटा महंत श्री श्री 1008 रणछोड़ भारती जी का सानिध्य रहा, जिनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पाथेड़ी युवा एकता संगठन ने दिया एकता का संदेश। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिले के सायरा निकटवर्ती पाथेड़ी गांव में युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी एवं अहम भूमिका निभाते हुए गोमाता के लिए सहयोग राशि भेंट की है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए पाथेड़ी के युवाओं ने सोशल मीडिया पर पहल करते हुए व्हाट्सएप पर बने अपने पाथेड़ी शिव शक्ति नामक ग्रुप के माध्यम से एकता का परिचय देते हुए अकाल में गोमाता के चारा हेतु लगभग 2,51,000 रुपए एकत्रित किए। गोमाता के लिए युवाओं ने चारे की गाड़ी मंगवा कर गौशाला को सुपुर्द की। वहीं शेष राशि पंचमुखी महादेव जी मंदिर में एकत्रित गांववासियों की मौजूदगी में गौशाला में जमा करवाई गई। एकल अभियान बैठक का हुआ आयोजन। प्रवीण सिंह कालेटी की जानकारी के अनुसार बिनकाल के शेमकरी माता तलाटी पर एकल अभियान संच का बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिनमाल व गुड़ा मालानी का वार्षिक आचार्य अभ्यास श्री शेमकरी माता मंदिर में प्रांगण तलाटी पर हुआ। इस अवसर पर वीपी के जिला मंत्री श्री वचन सिंह राव ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करने की बात कही। इस दौरान पर दूधाराम प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख जोधपुर श्याम, जिला अभियान प्रमुख रमेश कुमार, कार्यालय प्रमुख सूराराम, अचल प्रशिक्षण प्रमुख मेवाराम, संच प्रमुख भिनमाल अंबाराम व संच गतिविधि प्रमुख भमराराम गुड़ामालानी, कई आचार्य लोग मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।